नमस्कार श्रोताओं, मैं आचार्य रामचरण शर्मा चैनल भक्ति महिमा की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। श्रोतागण, आज मैं आप सबको एक बहुत ही रोचक कथा सुनाता हूँ। क्या माता सीता रावण की नहीं मंदोदरी की बेटी थी? तो आइए श्रोतागण, अवधूत रामायण के अनुसार यह कथा मैं आप सबको बताता हूँ। श्रोतागण, बात उस समय की है जब गुरुत्मत नामक एक ब्राह्मण माता लक्ष्मी को अपने पुत्री के रूप में पाने के लिए, वह ब्राह्मण मंत्रोच्चारण के साथ साथ दूध की एक एक बूंद कलश में डालते थे, जिससे पुत्री के रूप में माता लक्ष्मी उन्हें प्राप्त हो। एक समय की बात है, किसी कार्य हेतु ब्राह्मण देवता कहीं बाहर गए हुए थे। उसी वक्त रावण वह ब्राह्मण की कुटिया की तरफ आया और वहां पर उसने देखा ये कलश सजा हुआ है, वहां भी बहुत सारे ऋषि बैठे हुए हैं। यह देखकर रावण वहां पर पहुंचा, उस कलश को देखा और उस कलश को जैसे ही उठाने लगा, ऋषियों ने रावण को रोकने की कोशिश किया, लेकिन गुस्से में आकर रावण ने वो समस्त ऋषियों का गला काटकर सारा रक्त उस घड़े में डालकर उस घड़े को लेकर के चल दिया। श्रोतागण, जब रावण वह कलश लेकर लंका में पहुंचे और कलश देते हुए मंदोदरी को बोला, मंदोदरी यह कलश बहुत संभाल कर रखना, क्योंकि इसमें बहुत विषैले वस्तु है, भूलकर भी इसे हाथ नहीं लगाना। यह बात बोलकर रावण चला गया। श्रोतागण, रावण के व्यवहार से मंदोदरी हमेशा दुखी रहा करती थी। एक दिन मंदोदरी गुस्से में आकर यह सोचा कि यह विषैला पदार्थ है, इसे पीकर अपनी जान दे दूं, और मंदोदरी उस कलश को उठाई, दूध और रक्त थे उसे ग्रहण कर लिया। श्रोतागण, कुछ समय उपरांत मंदोदरी गर्भवती हुई। श्रोतागण, कुछ दिनों के उपरांत मंदोदरी यह बात सोचकर डर गई कि कहीं यह बात का पता रावण को न चल जाए, पूरे समाज को न चल जाए। श्रोतागण, मंदोदरी रावण और समाज के डर से उस बच्ची को जो गर्भ में पल रही थी उसे कलश में डालकर जमीन के अंदर गाड़ दिया। श्रोतागण, यह वही स्थान है जहां पर राजा जनक ने हल चलाई थी, उनका हल कलश से टकराया था और उस कलश को निकाले तो उस कलश से एक सुंदर सी कन्या माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। श्रोतागण, इसी तरह से माता लक्ष्मी माता सीता के रूप में पृथ्वी लोक में आई, वही माता सीता रावण के विनाश का कारण बनी। इसी के साथ मैं आचार्य रामचरण शर्मा आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, और हाँ श्रोतागण, चैनल भक्ति महिमा को जरूर सब्सक्राइब करें।